हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जब से एसएससी सीजीएल 2019 का प्री कंडक्ट हुआ है, तब से काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सीजीएल 2020 का प्री हम कौन से मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका एक और बहुत ही बड़ा डाउट है कि क्या सर हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करें या फिर हम प्री की तैयारी स्टार्ट करें, इसके बारे में भी मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूँ जो आपके लिए रिलिवेंस रखता है। अगर मैं सीजीएल 18 की बात करता हूँ तो जो परसेंटेज अटेंडेंस थी वो थी करीब 32%। 25.87 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से जो एक्चुअली अपेयर हुए थे वो हुए थे करीब 8.25 लाख लोग। अगर मैं सीजीएल 2019 की बात करता हूँ तो ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि एग्जाम इस बार ऑन टाइम चल रहा था। तो जो टोटल एप्लीकेशन थी वो थी 21.59 लाख एंड जो टोटल अपियर हुए थे वो हुए थे 9.79 लाख। यानी जो परसेंटेज अटेंडेंस थी वो आपको दिखी है 45.3%। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना होगा कि आप सीजीएल 2020 कौन से मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा नोटिफिकेशन कौन सी डेट को आएगा। 15 सितंबर को नोटिफिकेशन आना स्केड्यूल्ड है और एक महीने के लिए आपको अप्लाई करने का टाइम मिलेगा, दैट इज 15 अक्टूबर तक तो आपकी एप्लीकेशन ही चलने वाली है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद एक महीना और आप मान के चलो एप्लीकेशन रिव्यू में, जैसे कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है, सिग्नेचर फोटो के चक्कर में आपने ये बात सुनी होगी, सिग्नेचर सही नहीं था या फोटो ब्लर्ड थी तो कभी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट भी हो जाती है, उस काम में भी आप ये मान के चलो मिड नवंबर तक वो चीज़ निपटेगी। आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप पता कर पाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। ये आप क्लियरली मान के चलो, अगर आप मुझसे पूछते हो एक्सपेक्टेड मंथ क्या होना चाहिए तो दिसंबर से पहले आप इस एग्जाम को एक्सपेक्ट मत करो। इनफैक्ट दिसंबर में पूरे चांसेस है, दिसंबर का जो सेकेंड हाफ होगा कि आप दिसंबर मिड या फिर दिसंबर एंड में आपका सीजीएल 2020 का जो प्री है उसके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर हम मेंस की तैयारी करें या फिर प्री की तैयारी करें। एक पॉइंट आपको समझना होगा, जो मेंस में आपका पूछा जाता है वो मैथ्स पूछी जाती है एंड इंग्लिश पूछी जाती है। अल्टीमेटली एक बात सोचो, क्या ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी प्री 2020 में काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसा पढ़ना है जो आपकी 2020 की तैयारी में काम नहीं आएगा। तो आज के बाद इसमें बीच में वर्सेस ना लगाते हुए इसके बीच में प्लस लगाना है, दोनों चीज़ों की तैयारी अपनी एक साथ करनी है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपका स्कोर 110, 115, 120 ऐसा कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, उसमें डेफिनेट बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ईजिली ये जो स्कोर है आपका कट ऑफ स्कोर के पास या कट ऑफ स्कोर को क्लियर कर सकता है। मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा, अभी से अपनी तैयारी में रख जाओ, खुद को बहाने मत दो तैयारी ना करने के। मेन्स की तैयारी पर अभी से लग जाओ, साथ साथ प्री की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। आप एक सिंगल सोर्स से मेन्स 2019 एंड प्री 2020 की आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हो। इसमें सभी एजुकेटर्स के जितने भी नए मेंस के बैचेस हैं और आपके 2020 के बैचेस हैं सबके सब स्टार्ट हो गए हैं। अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, पूरा का पूरा वाईफाई स्टडी प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे। पूरे 2 साल का प्लान लोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 1 साल का प्लान तो आप ले ही लेना। अगर आप इस रेट में अपना प्लान लेना चाहते हो तो डिस्काउंट कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। यहाँ से बस आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, यहाँ से अपना प्लान चूज़ करना है। जैसे ही रेफरल कोड की जगह आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे प्रतियोगिता मंत्र, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इस रेट में आपको अपने प्लान पड़ जाएंगे। ये कोड पूरे अन अकेडमी पर वैलिड है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की, रेलवे या किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको डिस्काउंट कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्र विदाउट स्पेस, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ मैं आपसे लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।